सरला जी को प्रसाद और आरती देकर आते हैं। जी दादी। बेचारी माता की चौकी पे भी आ नहीं सकी। अरे दादी, सरला आंटी जी कहाँ गई? वही तो, अकेले वो कहाँ जा सकती है? पता नहीं दादी, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पे थी। मैं आई थी उन्हें देखने, तब तो काफी डरी और परेशान लग रही थी। हाँ तो फिर अकेले क्यों छोड़ दिया? नहीं दादी, मैंने अकेला नहीं छोड़ा, पूरब भैया थे उनके साथ, मतलब डोर के बाहर ही खड़े हुए थे। पूरब? पूरब? क्या हुआ, आप पूरब को बुला रहे हो? कुछ जरूरी काम था? सरला जी कमरे में नहीं है। सरला आंटी कहाँ जा सकती है अकेले? पूरब, आकाश तुम प्लीज पूरब भैया को फोन करो ना और उनसे पूछो कि कहाँ है वो। रचना मैं फोन करता हूँ। दादी आप टेंशन मत लो। सरला आंटी अपने कमरे से गायब है, कहीं सब में तनु का हाथ तो नहीं है? अगर ऐसा है ना तो मिताली ये मौका बहुत अच्छा है तनु को फंसाने का। शायद नेटवर्क में नहीं है। तो क्या करें? दादी मैं क्या कह रही थी कि ये सरला आंटी यहाँ पर नहीं है, तो क्यों ना हम प्रज्ञा को फोन करके बता दे कि सरला आंटी गायब है अपने कमरे से। दादी मेरे ख्याल से मिताली भाभी ठीक कह रही है। नहीं, प्रज्ञा भाभी को फोन करने दो, वो जरूरी काम के लिए गई है, परेशान हो जाएगी। पहले हम खुद सरला जी को ढूंढते हैं। और हाँ, अभी कभी कोई नहीं बताएगा, जब सरला जी हमको नहीं मिलेंगे ना तब हम उन्हें बोलेंगे। हे माता रानी, बस हमें टाइम से पहुंचा देना, कहीं देर हो गई तो। एक बेटी पहले ही खो चुकी हूँ, दूसरी बेटी के साथ ऐसा मत होने देना। अगर मेरी प्रज्ञा को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ दी का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं। आप टेंशन मत लीजिए माँ, कुछ नहीं होगा दी को। हे माता रानी, जब तक हम ना पहुंचे ना, प्रज्ञा को भी वहां मत पहुंचने देना, तनु से दूर ही रखना। क्या करूं, बाहर जाऊं या नहीं? अगर तनु ने मुझे मारने का प्लान बना रखा हो तो, पर जाना तो पड़ेगा। अगर नहीं गई तो मुझे तनु के खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा। अगर ये खतरा उठा के ही मेरा इनसे मिलना लिखा है तो मैं ये खतरा जरूर उठाऊं। सुनो रे, आ गई है वो। जब तनु से मेरी बात हो ही चुकी है तो अब क्यों छुप रही है ये? कहाँ है? तनु को ढूंढ रही है। अच्छा है, उसे ढूंढने के लिए जब ये कार से बाहर निकलेगी मेरा प्लान ऑफ एक्शन शुरू। आओ प्रज्ञा, बस थोड़ा और। क्या करूं, ये तनु तो कहीं दिख ही नहीं रही। सब सही जा रहा है, अब प्रज्ञा को कोई बचा नहीं सकता। उसकी माँ उसके पीछे आ गई और पूरा परिवार भागा आई उसके पीछे। मैंने उसे खत्म करने का प्लान बनाया और तुमने मुझे खत्म करने का प्लान बनाया।
समझ में आया कि माँ सुबह से इतनी बेचैन क्यों थी। किसी और का साथ मिल नहीं पाया इसलिए माँ अपनी बच्ची को खुद बचाने चली। माँ ने बहुत कोशिश करी हमें समझाने के लिए कि आपकी जान खतरे में है, पर इससे यह भी समझ में आ गया कि माँ सिर्फ जन्म देने के लिए नहीं होती। माँ जो जिंदगी अपने बच्चों को देती है ना दी, वो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे भी सकती है। माँ होती है जी, वो अपने बच्चों को एक खरोच भी नहीं लगने देना चाहती। तुझे पता है निखिल और तनु ने सारा प्लान मेरे कमरे में बनाया था। मुझे पता था, मैं तुझे बता नहीं सकती ना इससे। भाई वो मुझे प्लान बना के चिढ़ा रहे थे और तनु ने तो जो फोन किया था वो भी मेरे सामने ही किया था। मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि तुझे बता सकूं लेकिन तू समझ ही नहीं पा रही, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। तो मैं क्या करती, मैं अपने बच्चे को अकेले तो नहीं छोड़ सकती थी ना। मेरे साथ मेरी माँ है ना, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। बुराई के साथ हमेशा बुरा ही होता है। फिर निखिल के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था। वो अपने बनाए हुए प्लान में ही फंस गया। लेकिन एक काम है जो अभी करना बाकी है। इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था। इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सच ही बोल देती। मुझे पता भी होता ना कि तुम मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो तो भी मैं यहाँ आ ही जाती। क्या है प्रज्ञा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हिम्मत दिखाना और बेवकूफ़ी दिखाने में फर्क पता है मुझे। तुमने यहाँ आके हिम्मत नहीं दिखाई है, बेवकूफ़ी दिखाई है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गई। मन तो कर रहा है कि तेरी इस हरकत के लिए तुझे एक लगा, लेकिन मैं अपने हाथ तुझे छूकर गलती करना चाहती। तेरे पास अगर नाजायज बच्चा है ना तो मेरी प्रज्ञा के पास कुमकुम है। वो कुमकुम जो अभी ने उसकी मांग में भरा। अरे तू तो क्या, भगवान भी उसका कुछ नहीं मिटा सकते। प्रज्ञा के बारे में मत सोच, उसके साथ उसका स्वभाव अभी और उसका परिवार साथ में खड़ा है। एक बड़ा मान के मेरी बात मान ले, ये जो तेरे बच्चे का बाप है ना नीचे पड़ा है, उससे शादी कर, अपना घर बसा ले, इन सब चक्रों में मत पड़। अब जैसे क्या देख रही है, ये जो नीचे पड़ा है तेरा उसे उठा के ले जा अस्पताल। क्योंकि अगर अभी को सब पता चल गया ना और उसने तेरे से रिश्ता तोड़ दिया तो ना तो तू इस नाजायज बच्चे की माँ बन पाएगी ना किसी की पत्नी। माँ आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप चलिए यहाँ से। क्या हुआ? सुनिए, इनको बहुत चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, इनको एडमिट करना। मैम ये तो एक्सीडेंट केस है, आपको पहले एफआईआर लिखवानी पड़ेगी। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी, पहले एडमिट तो कीजिए। मैम मैंने कहा ना आपको पहले एफआईआर लिखवानी ही पड़ेगी। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ इनको? डॉक्टर देखिए ना, इनका कितना खून बह रहा है, एक्सीडेंट हो गया और मैंने कह रही हूँ कि इन्हें एडमिट करना, तो कि एडमिट करने के लिए तैयारी नहीं है, कह रहे कि पहले एफआईआर करवाओ। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी, आप पहले एडमिट तो कीजिए। आप कैसे किसी पेशेंट को ऐसे छोड़ सकते हैं, प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर, प्लीज। देखिए देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, हम बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज बाद में कर लेंगे, लेकिन आपको इससे पहले एक फॉर्म भरना होगा। ठीक है, आप एक फॉर्म भर दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द इनका इलाज कर सकूं। चेकअप रूम तैयार रखो, मैं आता हूं। पेशेंट का नाम निखिल। आप पेशेंट की क्या लगती हैं? वाइफ। डोंट वरी मैम, अब आपके हस्बैंड का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तब तक आप एक काम करिए, वहाँ डेस्क पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा दीजिए और हाँ उसकी एक कॉपी यहाँ रिसेप्शन पर भी जमा कर दीजिए। तब तक मैं इनका एडमिशन पेपर तैयार करती हूँ। आपने इस पेशेंट की वाइफ को देखा? तनुश्री। हाँ वही जो मॉडल है तनुश्री जी, देखिए फॉर्म में उन्होंने इस पेशेंट की बीवी बताया खुद को।